हो जाइए तैयार और 2 मिनट में जानिए बॉलीवुड इंडस्ट्री का हाल। योद्धा फिल्म का नया गाना हुआ रिलीज, नाम है तेरे संग इश्क हुआ। योद्धा फिल्म के जरिए आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना जैसे कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले इस फिल्म को बनाया गया है और ऐसे में हाल ही में ये नया गाना भी आउट हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो फिल्म है 15 मार्च को आपको देखने को मिलने भी वाली है। कल होगी शैतान फिल्म रिलीज। फाइनली शैतान फिल्म कल रिलीज होने वाली है। अजय देवगन, ज्योतिका आर माधवन जैसे कलाकार आपको फाइनली देखने को मिलने वाले हैं फिल्म शैतान के जरिए। ट्रेलर इतना जबरदस्त था कि ऐसे में फिल्म भी काफी ज्यादा जबरदस्त होगी, जो कि इस कॉन्सेप्ट का बेस्ड है कि कैसे कोई आपके ऊपर वशीकरण कर लेता है मात्र 15 मिनट में, यानी कि कुछ ही मिनट में आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देता है। संजय लीला भंसाली का म्यूजिक लेबल हुआ लॉन्च। संजय लीला भंसाली फिल्में करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन हाल ही में उनके फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है, जहां पर संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन की तरफ से एक म्यूजिक लेबल भी लॉन्च कर दिया गया है और ये म्यूजिक लेबल जो है वो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। संजय लीला भंसाली इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हीरंग मंडी को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं, जो कि नेटफ्लिक्स पर होने वाली है बहुत जल्द रिलीज। मैदान फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर हुआ आउट। ईद 2024 में ये फिल्म करेगी बड़ा धमाका। फाइनली मैदान फिल्म का ट्रेलर आउट हो चुका है, जो कि बहुत ज्यादा इंस्पायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। सैयद अब्दुल रहीम कोच के ऊपर ये बायोपिक बनी है और इसमें अजय देवगन इन कोच का किरदार निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईद 2024 में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। गजराज राव, प्रियमणि जैसे कलाकार भी इस फिल्म का अहम हिस्सा है। आने वाले समय में अजय देवगन की फिल्म मैदान या फिर कहें शैतान कितना ज्यादा कलेक्शन करती है, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।